This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Shahin Group of Institutions, Acharya PU College, MKS Layout, Newsom Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, MAM PU College and by Orbis International School. जब तक हम लॉकडाउन सक्सेसफुल नहीं करेंगे तो तब तक हमको ये कोरोना के केसेस ऐसे पॉजिटिव आते रहेंगे आगे भी। आप सबको भी मालूम है, मैं भी सुना हूँ कि कुरान में भी लिखा है कि ऐसे वक्त जब पैंडेमिक रहता है तो ऐसे वक्त में सिंपल तरीके से करना बोल के ऐसा कुरान में भी है बोल के बोलते हैं। हमको वापस सिटी को रिस्टार्ट भी करना है। अभी शॉर्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंटायर सिटी को स्क्रीनिंग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि गुलबर्गा जब रिस्टार्ट होता है तब कोई भी कोरोना से हमको प्रॉब्लम नहीं होना फर्दर बोल के हम वी आर डिसाइडेड टू स्क्रीन एंटायर सिटी। और रैपिड टेस्टिंग से भी ज्यादा हमको स्क्रीनिंग, रैपिड टेस्ट हमको उतना रिजल्ट नहीं देगा जितना स्क्रीनिंग हमको हेल्प करेगा। मैं आपसे विनती करता हूँ, जब आपके घर को आशा कार्यकर्ता आएंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग आएंगे, गवर्नमेंट के लोग आएंगे, तो आप बिल्कुल उनको मदद करिए। किसी भी चीज के लिए डरिए मत। हाउस टू हाउस वी हैव टू स्क्रीन द पीपल। तो मैं लोगों से गुजारिश करूंगा, और मैं स्टार्टिंग मेरे घर से ही कर रहा हूँ स्क्रीन करना। अच्छा, तो इसमें आप डरिए मत, आपके साथ हम हैं, इसमें कोई चिंता की कोई बात नहीं है। तो इसके लिए हमको एटलीस्ट फॉर 14 डेज वी हैव टू स्ट्रिक्टली हमको लॉकडाउन करना चाहिए बोल के मेरा ओपिनियन है। ये लॉकडाउन कभी देखे नहीं है। ज्यादातर ज्यादा एक दिन के लिए हमने कर्फ्यू देखा है, एक दिन के लिए हमने कुछ स्ट्राइक्स वो सब रहे तो उसके लिए एक दिन बंद रहता है, लेकिन एक कंटिन्यूअस बंद रहने की वजह से लोगों को भी इसका एक न्यू एक्सपीरियंस हुआ है। जो बहुत सारे गरीब लोग थे उनको जो खाने के लिए भी नहीं है और घर भी नहीं है उनको, ऐसे लोगों को शेल्टर होम्स जो शेल्टर में रहते हैं, तो लोगों को हमने आइडेंटिफाई करके अराउंड सिटी में 1000 लोगों को रोज सुबह का दोपहर का खाना हम दे रहे हैं उनको। सर, इसमें अगर जो लोगों को नहीं मिल रहा है या तो उसके कोई नंबर है सर कांटेक्ट करने के लिए या कैसा? हाँ, डेफिनेटली मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, हम अवेलेबल हैं। आपको मालूम है 40 डेज से हम ये कोरोना जब से शुरू हुआ है, जब से हम गुलबर्गा छोड़ के कहाँ पर भी नहीं गए हैं, तो डायरेक्टली मुझे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और DC ऑफिस का जो हेल्पलाइन नंबर है, डीसी ऑफिस के हेल्पलाइन पे भी अगर आप बात करेंगे तो दे विल गाइड यू। तो लोग बहुत सारे इसको स्क्रीनिंग को दूसरे एंगल से जोड़ के भी देखेंगे, तो आप इसको इसमें कोई किसी कुछ रूमर्स को आप अवॉइड करिए, इसमें किसी का रूमर्स को आप सुनिए मत। ये हम सबके भलाई के लिए, गुलबर्गा शहर के भलाई के लिए, आगे हमारे फ्यूचर जनरेशन के भलाई के लिए है। कि जो टेनेंट्स का रेंट का जो घरों का मसला चल रहा है सर, बहुत सारे लोग जो डेली बेसिस पे रेंट पे नहीं कर पा रहे हैं सर, तो उनके और टेनेंट के बीच में बहुत सारे झगड़े भी हो रहे हैं सर, तो भाई हमें रेंट लाओ, कर रहे हैं कोई नहीं ला, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है कि जो कुछ भी सैलरीज है, किसी का सैलरी आपको रोकना नहीं है और सैलरी कट नहीं करना है, सब लोगों का जो सैलरी है वो देना है। और रेंट लोगों के लिए भी हमारे चीफ मिनिस्टर ने जी भी बोला है, येडियुरप्पा जी ने, कि कोई भी ऐसा जबरदस्ती से रेंट लेना नहीं चाहिए बोल के बोला है। तो लोगों से कोऑपरेट करने के लिए मैं भी विनती करता हूँ, जो कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स है तो आफ्टर दिस कोरोना जब ये खत्म हो जाएगा, जब वी विल सिट टुगेदर एंड वी विल सॉर्ट इट आउट, बट लेकिन अभी ये वक्त पे अगर आप लोग मदद नहीं करेंगे तो कौन मदद करेगा? हमारे गुलबर्गा के लोगों के लिए, गुलबर्गा के सिटीजन्स के लिए हम सब लोगों को ही मदद करना चाहिए। तो उसके वजह से मैं जो ओनर्स हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना होता है वो मदद करेंगे। The people who are stranded out, sir, जो लोग गुलबर्गा से कर्नाटक से बाहर रह चुके हैं सर, बहुत सारे कमेंट्स आप देख सकते हैं, I want you to read all the comments, जैसे कि अभी आप वफ्तावार जमाल कह रहे हैं कि सर आई एम स्टक अप इन हैदराबाद, तो बहुत सारे लोग हैं सर अभी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से भी आ चुका है, होम अफेयर से आ चुका है सर, कि लोगों को वापस लाने के लिए, तो सर आपके पास आपने कोई स्कीम बनाई है सर गवर्नमेंट की तरफ से भी? डेफिनेटली हमारे लोगों को वापस लाने के लिए गवर्नमेंट भी सोच रहा है कि कैसा किस तरीके से लोगों को लेके आना चाहिए, और उनका भी सेफ्टी रहना चाहिए, और यहाँ पर आने के बाद भी यहाँ पर उनके वजह से किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट भी थिंक कर रहा है। जो भी हमारे लोग हैं वो आने के बाद अगर उनको कोई सिम्टम्स नहीं है वो लोगों को अलाउ किया जाए, और उसके बाद वो लोग होम क्वारंटीन रहेंगे 14 दिन के लिए,
ऐसा सब जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो गाइडलाइंस फ्लोट करने वाला है, तो लोग बहुत ही डरे हुए हैं और बहुत चाहते हैं कि वापस अपने अपने घर को आने के लिए चाह रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप डरिए मत। आपको अगर आप हैदराबाद में हैं, आपको कुछ भी मुश्किल है वहाँ पर, आपको खाने का प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पर, अगर रहने का भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप हमको हमारे नोटिस में लेके आइए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लेके आइए, नहीं तो हमारे नोटिस में लेके आइए। आप कहाँ पर भी रहने दीजिए, ऑल ओवर इंडिया में आप कौन से भी जगह पर रहने दीजिए, हम आपको वहाँ पर ही मदद करेंगे। गुलबर्गा में भी आपको पता है बहुत सारे यूपी बिहार छत्तीसगढ़ के लोग हैं, तो वहाँ के लोग हमको रिक्वेस्ट, वहाँ के लीडर्स, वहाँ के ऑफिसर्स हमको फोन करके रिक्वेस्ट किए हैं, तो वो लोगों को हमने शेल्टर होम में रखे, उनको हम खाना दे रहे हैं, उनको हम फूड ड्रिंक्स दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे पुणे में है, मुंबई में है, हमने वहाँ के लीडर्स को भी रिक्वेस्ट किया है, वहाँ के गवर्नमेंट को भी हमने रिक्वेस्ट किया है, तो वो लोग भी जितना होता है उतना मदद वहाँ पर कर रहे हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, अगर गवर्नमेंट डिसीजन लेता है कि हमारे वापस लोगों को जो जो बाहर है तो उनको वापस लाना चाहिए बोल के अगर गवर्नमेंट डिसीजन लेता है तो इट्स वेल एंड गुड। सब लोगों को मैं विनती करता हूँ कि आप सब लोग घर में रहिए, सेफ रहिए, स्टे होम स्टे सेफ बोल के बोलता हूँ। करोना करोना सोली सी कलबुर्गी गली सी बोल के हमने एक हैशटैग बनाया है इसके लिए। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Shahin Group of Institutions, Acharya PU College, MKS Layout, Newsom Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, MAM PU College, and by Orbis International School.